हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 3 के हिंदी का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। तो ये क्यों जी मल और ये कैसे कैसलिया। अगले पेज पर देखते हैं। अब ये क्यों जी मल और कैसे कैसलिया अपने गुरुजी से मिल गए। तो देखिए इनके बीच में क्या बातचीत होती है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों, गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे, साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था पर थैला देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, अरे आटा तो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई आटा, क्यों क्यों क्यों, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे, क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब ये पूछ रहा है दूसरा जो दोस्त है इसका, सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। गुरुजी बोल रहे हैं, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी कहते हैं, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं। तो ये पाठ सुबीर शुक्ला जी ने लिखा है। चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं क्या है और तुम्हारी समझ में क्या आया। तो आपको अब बताना है कि ये पाठ पढ़ के आपको क्या समझ में आया। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में लेकर गेहूं जा रहे थे। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे, क्योंकि दोनों बहुत सवाल पूछते हैं। एक पूछता है क्यों क्यों क्यों, दूसरा पूछता है कैसे कैसे कैसे। तो आप कुछ भी बात बोलेंगे तो ये दोनों आपको क्यों और कैसे के बीच में फंस के रह जाओगे, क्योंकि क्यों और कैसे के बहुत सवाल पूछ लेंगे आपसे। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी, क्योंकि शिवदास को लगा गुरुजी कहीं गेहूं पिसवाने जा रहे हैं, पैदल कहां तक जाएंगे, इसलिए उन्होंने शायद अपनी गाड़ी पकड़ा दी। रोटी एक नाम अनेक, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो रोटी को हमारे यहाँ तो रोटी बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग क्षेत्रों में रोटी को अलग नाम से भी जानते हैं, वो आपको पता करके यहाँ लिखने हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। अब आप बताइए कि आपके घर में आटा सानने को क्या बोलते हैं, आटा गूंधना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। तो ये आपको अपने घर में पता करके लिखना है। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो, यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो गेहूं के अलावा और भी किसी चीज़ की रोटी बनती है क्या, ये आपको अपने घर परिवार में पता करके और लिखना है। और अगर कोई आपको दाना मिल सकता है किसी और अनाज का, तो वो आपको यहाँ पर पेस्ट भी करना है। जैसे चावल के आटे की भी रोटी बनती है, बाजरे के आटे की भी बनती है, मक्के के आटे की भी बनती है। तो ये अलग अलग अनाज हैं जिनकी रोटियाँ बनती है। रोटी क्या ऐसे बनेगी, आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे, नहीं तो फिर कैसे। तो आपको बताना है ये अगर रोटी ऐसे बनती है क्या, और अगर ऐसे नहीं बनती तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपनी मम्मी से, आपको अपने घर में पूछ के तब बताना है। तो फिर कैसे, सही क्रम बताओ, आपको क्रम बताना है। तो सही क्रम कैसे बताएंगे, पहले गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। तो
तो आपको ये सीक्वेंस इसका जो है ये सही क्रम जो है वो बताना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है, ठीक है। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि, पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए, इनके लिए भी कुछ अलग अलग काम करने पड़ते होंगे, जैसे रोटी बनाने के लिए था, तो आपको ये पता करके लिखने हैं। दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो, मक्की, बाजरा और चना, तो इनका आपको दाम पता करना है वजन के हिसाब से कितने रुपए किलो मिलता है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। आसपास, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ काम दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कहाँ जाते हैं। आटा खरीदने के लिए राशन की दुकान पर जाते हैं, पंचर बनवाने के लिए साइकिल की दुकान पर जाते हैं, दूध खरीदने के लिए दूध वाले के दुकान पर जाते हैं, दूध खरीदने दूध वाले के पास, जूते की मरम्मत करवाने मोची के पास, सुराही खरीदने कुम्हार के पास, कॉपी किताब खरीदने किताब की दुकान पर, बाल कटवाने नाई के पास। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। अगले पेज पर देखिए। कैसे बनेगी रोटी, नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। तो यहाँ देखिए कुछ सामान दे रखे हैं किचन के, जिसमें से आपको देखकर बताना है कि रोटी बनाने में किस किस चीज़ का प्रयोग नहीं होता। पहला देखिए इसमें क्या है, चम्मच। चम्मच का प्रयोग रोटी बनाने में नहीं होता, उसका प्रयोग खाना खाने के लिए होता है। दूसरा देखिए मटकी। मटकी का प्रयोग भी रोटी बनाने में नहीं होता, मटकी का प्रयोग होता है पानी भरने के लिए। तीसरा देखिए कप और प्याली। कप और प्याली का प्रयोग भी रोटी बनाने में नहीं होता, इसका प्रयोग चाय पीने के लिए होता है। अगला देखिए क्या है, कटोरी। कटोरी का प्रयोग भी रोटी बनाने में नहीं होता, कटोरी का प्रयोग सब्जी खाने के लिए होता है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।